आदरणीय शिवराज जी भैया ने बहनों को 3000 रुपया जैसे ही सरकार बनेगी मैं दूंगा। अब भैया तो चले गए, अब बहनों के भैया हो आप। 3000 जब तक नहीं मिले विपक्ष को, कांग्रेस को सड़क पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये अंतर मन में संकल्प लेके भी आया हूँ। ये जब तक कांग्रेस के 51% वोट मध्य प्रदेश में नहीं होंगे तब तक हमारे परिवार का एक एक साथी चैन से बैठेगा नहीं। सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितना तगड़ा झटका लगता है उतनी बड़ी सफलता लगती है, मिलती है। जो वचन पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अब हमारे हाथों में ये बीजेपी का वचन पत्र होना चाहिए। ये बीजेपी के वचन पत्र में इन्होंने 3000 हमारी बहनों को देने का कहा था या नहीं कहा था? आदरणीय शिवराज जी भैया ने बहनों को 3000 रुपया जैसे ही सरकार बनेगी मैं दूंगा। अब भैया तो चले गए, अब बहनों के भैया हो आप। 3000 जब तक नहीं मिले विपक्ष को, कांग्रेस को सड़क पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? साथियों, 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं की मांग थी, 2700 रुपए बीजेपी ने कबूल किया। इसमें लिखा है 2700 रुपए पहली कैबिनेट में करना था कि नहीं करना था? जब तक नहीं करेंगे हम सड़क पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 3100 रुपए धान का दाम, हर घर को रोजगार, 2 लाख नौकरियां, 450 रुपए का सिलेंडर, ये सब शिवराज जी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि नहीं कहते थे? अब वो चले गए हैं, अब आ गए हैं महाकाल के मोहन। मैं आज महाकाल राजा के चरणों में वंदना, समृद्धि मध्य प्रदेश की, और बीजेपी अपने वचनों का पालन करे, मोदी की गारंटी का पालन करे, इसकी प्रार्थना करके आया हूँ। और साथ ही साथ ये अंतर मन में संकल्प लेके भी आया हूँ कि जब तक कांग्रेस के 51% वोट मध्य प्रदेश में नहीं होंगे तब तक हमारे परिवार का एक एक साथी चैन से बैठेगा नहीं। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे वरिष्ठजन, वो चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी हो, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो, हमारे पीसीसी के आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, आदरणीय सिंह राहुल भैया, अजय भैया, या हमारे परिवार के वो सब साथी जो वरिष्ठ जन है जिनने कांग्रेस के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, देश के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वरिष्ठों के सम्मान के साथ हम युवाओं का संकल्प है, हमारा दायित्व है, हम सब परिवार के लोग घर घर जाकर कांग्रेस के आइडियोलॉजी को हर अंतर मन में बसाए, प्रेम की, प्यार की। क्या है कांग्रेस की आइडियोलॉजी? कांग्रेस की आइडियोलॉजी है जो प्राचीन भारत की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है जो भारतवर्ष के आम नागरिक की आइडियोलॉजी है, भगवान राम कृष्ण और पैगंबर की आइडियोलॉजी है। क्या है वो? उसमें इंसानियत की रक्षा की बात होती है, वसुधैव कुटुंब की बात होती है, प्राणी मात्र का, भगवान का प्राणी मात्र का की रक्षा की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत, सबको एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ त्याग करने की भावना ही भारत की भावना है, और यही आइडियोलॉजी सर्वधर्म संभाव की कांग्रेस पार्टी की है। हम सब मिलकर जरूर हम हारे हैं, मुझे पता है कि हताशा और निराशा भी आम कांग्रेस के कार्यकर्ता में है, पर मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जितना तगड़ा झटका लगता है उतनी बड़ी सफलता लगती है, मिलती है। हमारे सामने चुनौती है लोकसभा के चुनाव की, हमारे सामने चुनौती है भारतीय जनता पार्टी का जो 25 साल का कुशासन था उसके बाद भी वो जीत, जो 15-18 साल का कुशासन था उसके बाद भी वो जीत गई, इससे जनता को आभास कराने का। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ किसी प्रकार से
डरने की और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में जीत और हार हो सकती है, पर सत्ता और विपक्ष भी होता है। विपक्ष में रहकर हम सेवा कैसे करें, इस भावना को अंतर मन में यह एहसास हमें होना चाहिए कि हम प्रदेश की समृद्धि के लिए सकारात्मक विपक्ष चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दो दिन पहले फोन आया कि नरेंद्र तोमर जी विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले हैं, तो क्यों नहीं उनको आप निर्विरोध कर दें। हमने पहल की सकारात्मक विपक्ष की भूमिका, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इस भावना को विधायकों की सहमति से पूर्ण की कि हाँ निर्विरोध करते हैं। मैं मानता हूं ये हमारा पहला कदम है सकारात्मक विपक्ष का। आशा करते हैं आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर मध्य प्रदेश की विधानसभा से हटाई गई और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई। बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाई, इसका हम स्वागत करते हैं, पर एक था जिनने आजादी के नायक आदरणीय महात्मा गांधी जिनकी तस्वीर लगी थी, एक थे बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान के निर्माण करने में सबसे बड़े प्रेरणा थे, और एक थे जिन्होंने भारत का निर्माण किया, भारत की आजादी के लिए कई सालों तक जेल में गए। अगर तीनों तस्वीर लगती तो क्या भारतीय जनता पार्टी को हो जाता। आप अटल बिहारी वाजपेयी की उस भावना को जिन्होंने संसद में नेहरू जी की तस्वीर न देखकर अपनी बात पूरे देश के सामने रखी और फिर नेहरू जी की तस्वीर लगाई, क्या आज की भारतीय जनता पार्टी नफरत से इतनी भर गई है कि अटल बिहारी वाजपेयी को उस भावना की भी कद्र नहीं करती। मैं मानता हूं इसकी पूरे प्रदेश ने पूरे देश ने निंदा करनी चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इनने तस्वीर लगाई, पर हम स्वागत करते हैं बाबा साहब अंबेडकर की इन्होंने तस्वीर वहां पर लगाई। मैं मानता हूं हम सब परिवार के लोग इनकी नफरत और घृणा की राजनीति के खिलाफ खड़े होंगे।